आराम से। करण, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? तुम चाहती थी वो अनीश तुम्हें उठाए। Excuse me? मनामी, एक मिनट। सॉरी। ये डॉक्टर कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा है? आई मीन, अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त था, तुमने कभी बताया तो नहीं उसके बारे में? करण प्लीज, कॉलेज का फ्रेंड है वो मेरा। जानता हूँ, जिससे तुम पिछले 10 साल से नहीं मिली, और 10 साल में लोग बदल जाते हैं मुनामी। हो सकता है जिस दोस्त को तुम जानती थी ये वो है ही नहीं, या बदल चुका हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि धोखा वही खाते हैं जो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। करण, साइड प्लीज। मैं तुम्हारा वुंड क्लीन करूंगा। You trust me, right? Okay, ज्यादा दर्द हो तो मेरे हाथ को पकड़ लेना कस के। बस 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 बस। खड़ू शेरगिल को हुआ क्या है? जेले मुड़ी, जे दिया है ना वहां मेज पे भगवान के सामने अपने हाथों से रख दे। जा। संजू जी का कर दो बेटा। अरे भगवान के आगे रखवे कई हती। कुंदन जी, शादी तो 6-8 महीने बाद होने वाली थी ना, इतो बड़ा फैसला एक बार हमसे पूछ तो लेते। बताओ ना डॉक्टर मैडम, कुछ कांड हुआ क्या? अरे सेठ भाई जितने बोराए क्यों घूम रहे थे? सब बताती हूँ बाला, लेकिन अभी आराम से, अभी मेरे को सेठ को हैंडल करने थे, तो यही रुक। जी डॉक्टर मैडम। यह है हमारी मंगेत संजना जी। 10 दिन में साथ दिया था। आप जो मोड़ी हमारी मंगेत यह है तुम्हारा कार। हमारी तरफ से यह होता। 10 दिन में साथ दिया। यह है हमारी मंगेत संजना। संजना जी, शादी कब करनी उचित है और कब नहीं, ये घर के बड़े तय करेंगे। आपकी अम्मा बाबूजी ने ये फैसला लिया था, उन्होंने हमसे पूछा और हमने हाँ कह दी। आपसे पूछ के क्या करते? आपको बताना जरूरी था तो हम बता दें। काय पगला गई होगा तुम? अरे शहर में आके तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो मुंह में आओ सो भगता हो। अरे अम्मा, कुछ एक शब्द भी नहीं। जो पहला शब्द निकल है वो निकल है कुंदन जी की अम्मा जी के सामने,
जी मैं तुम उनसे हाथ जोड़कर सर रगड़कर माफी मांगो और 10 दिन में शादी के लाने हामी भर को समझी कि नहीं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी हमने, वो बुरा लग रहा है। और जो उन्होंने झल्ला के बापू से तुमसे हमसे बात की वो तो दिख ही ना रहा है तुम्हें। काहे नहीं दिख रहा है तुम्हें अम्मा कि ना वो आप दोनों की इज्जत कर रहा है ना हमारी। अम्मा शादी के पहले जे हाल है तो शादी के बाद तो कतई चरस बो देंगे जे लोग। अब वो रिश्ता तोड़ते हैं तो तोड़े, हम ना कर रहे हैं 10 दिन में शादी बस। I swear, मुझे आज ही पता चला था सिर्फ, और मैं तेरे पास आ रही थी बताने के लिए, पर संजना ने कहा कि वो खुद तुझे बताना चाहती है, इसलिए I backed off। बोल उठा। तुम लाइन तुझे पता था? ये बात तुझे मुझसे पहले पता थी और तुझे तूने जरूरी नहीं समझा मुझे बता? No, sir, it's not like that. I'm sorry, I'm mama, I'm sorry. You know what? I'm sorry. मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रुथ ना मेरे आसपास के लोगों को हमेशा पता रहता, इस साला कोई मुझे बताता ही नहीं। तो तूने तुझे ये बात संजू ने नहीं बताई तो फिर तुझे उसके फियांसे ने, वो दोस्त है मेरा, खुद धन ब्रो, मैंने हैंग आउट किया उसके साथ ब्रो, उसने बताया, बताया क्या, उसने इनवाइट किया मुझे शादी पे। शादी कुंदन संजना 10 दिन में शादी हुई। नो वे सर, नो वे। कुंदन मुझे इतना सोचने की जरूरत ना है, अरे तेरे लिए मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, बहुत अक्कड़ है ना उस मोड़ी में, मना करके दिखाए हम खुद ही शादी तोड़ देंगे। उसकी जरूरत नहीं संजना जी, 10 दिन में शादी के लिए राजी हो जाएगी। अब तो हम ठान लिए संजना दुबे को अपनी मिसेज बनाकर ही दम लेंगे। बहुत हुआ सम्मान। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।